सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आगे की शुरुआत करते हैं, और जैसा कि हमने लास्ट टाइम कहा था, आपको स्पेशल जगह ले जा रहे हैं। तो आज स्पेशल जगह क्या है कि जोधपुर के अंदर जो है सबसे फेमस है लेक्स, और लेक्स अगर आप देखें जाए तो वह 9 लेक्स है, जिसके अंदर उमेद सागर लेक आती है और तख्त सागर लेक, और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी लेक्स हैं यहाँ पे। और इसी के बीच हम जा रहे हैं अभी फतेह सागर लेक की तरफ। शाम का टाइम है, इतना ज़्यादा मौसम अच्छा हो चुका है, बहुत अच्छा एम्बियंट हो चुका है, तो अभी उसकी तरफ निकलते हैं। और अभी आप देख रहे हैं सिटी का माहौल भी कितना ज़बरदस्त हो रहा है। आप कहीं भी से भी निकल जाए इधर, आपको हमेशा एक बहुत एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट मिलता है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो सिटी का जो एक ट्रैफिक है वो भी अभी काफ़ी कम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू पीक आवर्स के हिसाब से। और अभी यहाँ से निकलते हुए वहाँ जाते हैं, और वहाँ पर जाके एक्सप्लोर करते हुए आगे क्या नज़ारे दिखने वाले हैं। सही है, तो झील वील सब प्रॉपर तरीके से यहाँ पे, मतलब एक बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। बाकी वोट वोट तो देख लिया, अभी आगे चलते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा मेंटेन करी हुई जगह है। फतेह सागर लेक होते हुए हम लोग कायलाना झील की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे तो कुछ खास दिखने को मिला नहीं, बाकी ये जगह काफ़ी औसम है भाई। ऐसा लग रहा है कि भाई कोई बहुत औसम एक अलग ही फील वाली जगह पे आ गए हैं, और हिल स्टेशन वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही थी। और बाकी यहाँ पे अरेंजमेंट्स काफ़ी थे, तो अभी स्टार्ट करते हैं बोट राइड, क्योंकि अगर थोड़ा भी और लेट हो गए तो बोट राइड नहीं मिलेगी। तो अभी यहाँ से हमने बोट राइड स्टार्ट की, तो आप यहाँ पे इस नज़ारे इंजॉय करो। पानी बहुत अच्छा था, इन्होंने पूरा मेंटेनेंस किया हुआ था यहाँ पे, ऐसा कोई कचरा वगैरह भी नहीं डाला हुआ था, तो एक तरह से बहुत साफ झील लग रही थी चारों तरफ। सो यहाँ से हम लोगों ने ये लाइफ जैकेट्स वगैरह पहन ली, तो इसके साथ अभी यहाँ पे बोट राइड शुरू करते हैं। और बाकी नज़ारे औसम है इधर के, अगर आप देखेंगे तो पहाड़ भी दिख रहे हैं, साथ में बतख भी तैर रही है, और काफ़ी लोग भी आ गए हैं इसके अंदर, तो एक तरह से अच्छे खासे क्राउड गैदरिंग होगी। तो यहाँ पे निकलते हैं, और 150 रुपीज़ समथिंग कुछ फेयर चार्ज है, सो दैट विल बी इनफ। आराम से आप यहाँ पे नज़ारे इंजॉय कर सकते हैं, और साथ के अंदर जो पानी की आवाज़ है और सारी चीज़ें, तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रही है। दौरान हमने गेस्तान को देखा, सारी और प्लेसेस को भी देखा, बाकी यहाँ पे आके जो सुकून मिला उसका मैं आपको बता भी नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है। और रोड ट्रिप्स का यही फ़ायदा भाई, कहाँ पे क्या मिल जाए पता नहीं। सो ये मैंने जाते वक्त भी पॉइंट देखा था, पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे इतना अच्छा भी देखने को या फिर राइड करने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो बहुत आराम से हम लोग चल रहे हैं, और पानी की धीरे धीरे आवाज़ आ रही है, बहुत शांति है। और यहाँ पे कैसा है कि बोट्स का और भी ज़्यादा रहला नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बोट्स हो दूसरी, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे बहुत ही साइलेंट वे में हम लोग आराम से देख रहे थे, और पक्षियों की आवाज़ आ रही थी उनकी चहचहाने की, और साथ में जो पहाड़ के बिहाइंड जो सूर्य धीरे धीरे डल रहा था, तो उसके एक बहुत ही एक अच्छी वाइब क्रिएट हुई थी। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा फील आता भाई, जब हम अर्बन सिटीज़ में काम करते हैं पूरे टाइम, और फिर जब इस तरह के हम ट्रिप्स करते हैं या फिर कहीं जाते हैं, तो ये जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है। सो ऑलमोस्ट डे के एंड में ये चीज़ें ने बहुत एक अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस ऐड कर दिया, और काफ़ी स्मूथ राइड थे, बोट आराम से चल रही थी। बाकी यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जो स्टीमर यहाँ पे जो चलाते हैं काफ़ी, वो जब हाई स्पीड से चलता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे
वो जैसे वाटर वेव्स फॉर्म करता है तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी हिलती है, तो एक थोड़ा सा एडवेंचरस भी ऐड हो जाता है यहाँ पे। और देखा जाएगा तो यहाँ पे जो यहाँ पहाड़ है तो इनकी जो कटिंग एजेस है बहुत प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि हम बहुत एक ऑसम एक कोई अलग ही जगह पर आ गए हैं यहाँ पर। तो एक रेगिस्तान है जोधपुर, उसके अंदर ये सब चीज़ें देखने को मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये झील में पूरी मेंटेन की गई है तो यहाँ पे आपको डर्टीनेस वगैरह कुछ नहीं है, तो इसकी वजह से बड़ा एक्सपीरियंस है लड़का जो एकदम बोटिंग वोटिंग पर चल रहा है, बहुत और यहाँ पे ना एक आगे भी लोग जाते हैं, यहाँ पे रोड्स पे आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे आप आराम से गाड़ी पार्क करके व्यूज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखा जाएगा तो लोग भी बैठे रहते हैं। इस तरह से रिस्की जगह पे बैठना अच्छा नहीं है, बट फिर भी इट्स नॉट ए गुड हैबिट। फिर भी लोग यहाँ पे बैठे थे नीचे एकदम बॉटम में, मान लो कभी लेक का फ्लो पड़ गया कुछ हो गया तो दैट विल वेरी रिस्की। सो अभी बस ये एंड होने पर आ गया है आराम से, इसने कुछ आधे घंटे के अराउंड कुछ यहाँ पे पूरा राइड करा है आराम से धीरे धीरे करके। सो एक बहुत ही सेफर साइड पे राइड होगी और आराम से अभी बस निकलते हैं, थोड़ा सा पर्सनल फील लेते हैं यहाँ पे, लेक को फील करते हैं और फिर निकलते हैं। सो यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठ गया एकदम इस किनारे पे, पानी में अपने पैर डाल के, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा। बाकी ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी आइस मेल्टिंग वाटर में पानी में अपने पैर डाल दी। बाकी बहुत ही अच्छा लग रहा था, इधर मैं बहुत देर तक बैठा रहा, नज़ारों को इन्जॉय करता रहा। सबसे बढ़िया और शाम का एडवेंचर और मज़ा देने वाली चीज़ मुझे ये लगी कायल वाटर के यहाँ पे झील है।
उसका भाव बहुत ही साफ सुथरे, बहुत बेटर है, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। और एकदम पूरे दिन की थकान उतर गई, पानी में मैंने पाँव डाल के थोड़ी देर बैठा, बहुत ही ऑसम फील हुआ। कोल्ड है, चिल्ड कोल्ड है एकदम, क्योंकि नेचुरल वाटर है, कोई यहाँ पे गंदगी नहीं, कुछ नहीं, पूरा मेंटेन किया गया। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भाई इधर का, उस पूरे टूर में इसने तो भाई दिल जीत लिया। तो भाई अब निकलते हैं भाई वापसी की तरफ, घूम फिर तो सारा लिया है और बहुत ही सही एक्सपीरियंस रहा। अब बस निकलते हैं और बस कोटा की तरफ देखते हुए कैसा क्या है, क्योंकि रात हो गई है, ऑलमोस्ट इट्स वेरी डार्क, सिक्स आवर्स इज गोइंग। करा लिया पेट्रोल 108 रुपये भाई, पेट्रोल ना इस साइड ज़्यादा भरा लो, ज़्यादा फायदे में रहते हैं, क्योंकि उस साइड तो बहुत ज़्यादा बाकी यार, ज़बरदस्त भरने वाली गाड़ी। तो यार ऑलमोडी निकल गए यार, पता नहीं यार गूगल कैसे ऐसे रास्ते बनाया था, थोड़ा थोड़ा घूम फिर के सो लेक को पूरा एंजॉय करने के बाद वहाँ पे हमने चाट वगैरह खाई और बहुत अच्छे वहाँ पे लोकल फूड मेकर्स बहुत अच्छे थे। सो वहाँ से थोड़ा बहुत खा पी के भी निकल गए अभी रास्ते में, और जो रास्ता मैं बता रहा था आपको, पास से होते हुए ही निकलेंगे, हाईवे को टच करेंगे और ब्यावरा होते हुए हम लोग कोटा की तरफ हेड करेंगे। सो अभी प्लान ये है कि निकलते हैं, पहुँचते हैं। भाई नींद तो ज़बरदस्त आ रही है, पर कैसा है कि अभी थोड़ा डिस्टेंस तो करना ही है कवर, और बाकी अभी रात का व्यू आपको एंजॉय कराते हैं, और बाकी आप देखो क्या रात में किस तरह का माहौल रहने वाला है, क्या है, क्योंकि अभी ये थोड़ी मिडनाइट वाली जर्नी है। सो ऑलमोस्ट 7 बजे तक हम लोग निकल गए थे वहाँ से, और थोड़ा सा जोधपुर का नाइट व्यू भी इंजॉय किया, और अब आगे रास्ते में चलते हैं और फिर देखते हैं भाई कैसा क्या रहने वाला है। तो रात का सफ़र है तो इतना भी गूगल मैप पे भी एकदम बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करना भी सही नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है मल्टीपल रास्ते जाते हैं, मल्टीपल स्ट्रेच जाते हैं, और कई बार आप गलत जगह भी लैंड अप हो जाते हैं। जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैंने पहला स्ट्रेच जो यहाँ से लिया था वो थोड़ा सा गलत हो गया था, तो उसकी वजह से हम लोगों को बहुत उबड़ खाबड़ रस्तों से निकलना पड़ा, क्रॉस ओवर करना पड़ा। बाकी अभी हम लोग नेशनल हाईवे पर आ गए हैं, आराम से यहाँ पर क्रूज़ करते हुए जाते हैं और बार के वहाँ पे जाके एक रेस्ट लेते हैं। और जहाँ तक आप देख रहे हैं तो बस ट्रैफिक तो भी बिल्कुल नहीं है, आराम से धीरे धीरे करके निकलते हैं, और बाकी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब प्रॉपर है, और साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्लिंकर्स वगैरह भी सब अच्छे हैं। तो ऑलमोस्ट जर्नी बहुत ज़बरदस्त है, सो अभी निकल के पहुँचते हैं। सो इस रूट पे थोड़े बहुत गांव वगैरह आ रहे हैं बीच में, थोड़ा बहुत फूड फैसिलिटीज़ वगैरह भी हैं, और बाकी अभी आप देख रहे होंगे चारों तरफ अंधेरा और इस जंगल में से गाड़ी निकल रही है। सो भाई ज़बरदस्त लगता है भाई, और बाकी बड़ी बड़ी बसेस वगैरह भी निकल रही है, स्लीपर कोच से लेके सारी लग्जरी बसेस, गवर्नमेंट की बसेस बहुत ज़्यादा लग्जरी हो गई है, और प्राइवेट बसेस तो आप बताइए पूरा एकदम लाइट वाइट चमका के चलती है चारों तरफ। सो एक बहुत अच्छा ये भी एक एक्सपीरियंस है। और बाकी यहाँ पर देखा जाएगा तो रोड्स अच्छे बने हुए हैं, फ्लाईओवर्स का बहुत इस्तेमाल हुआ ताकि आपको गाँव के रास्ते से नहीं जाना पड़े, और साथ में आप लोग यहाँ पे शॉर्ट हॉल्ट भी ले सकते हैं और कुछ भी खा भी सकते हैं। सो अब भी बस अपन निकल रहे हैं, और अब देखते हैं एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे थोड़ी देर में, एक्स मैक्सिमम भी ट्राई कर रहे हैं कि कवर करने का, और क्योंकि नींद ज़बरदस्त है, पर ठीक है ऑलमोस्ट बातें करते हुए जा रहे हैं तो चीज़ें कवर अप हो रही है, बाकी दोनों तरफ से बहुत ही सही है। मतलब अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो गया अब इंडिया में, रोड्स को लेकर तो कंडीशन बहुत अच्छी है। भाई गाड़ ने आगे भाई स्ट्रेचिंग ब्रेक लिया भाई, बहुत ही ज़्यादा चिल्ड है भाई एनवायरनमेंट, थोड़ा सा चाय पीते भाई, होटल मार काट वाट सब लगाइए, तब लंबन में हो जाओ आराम से बैठ जाओ, क्योंकि यार आराम वाक के इंतजाम तो कुछ करने लगना अभी सही बात ही है, एकदम हेक्टिक हो रहा है। अभी अगर टाइम भी देखा जाए तो सुबह सुबह के लिए 9:30 के आराम तो चाय तो इस रूट पर ज़बरदस्त बनाई है, बाकी आपको प्राइसिंग के लिए बहुत डिफरेंस लगेगा यहाँ पे, कहीं जगह 20 रुपीज़ की चाय है, कहीं जगह
₹10 की भी है, कोई तो 30 भी चार्ज कर लेता है कभी कभी, तो डिपेंड करता है। बाकी अगर यहाँ पे एक बात है कि चाय पीने से रिलैक्स बहुत हो गया है, और माहौल बहुत ठंडा था बाहर, एकदम ठंड सी लग रही थी, और वो धोलिया तो अभी थोड़ा फ्रेशनेस आ गया, तो एक अलग ही एनर्जी के साथ अभी वापस से ऐड कर रहे हैं। ट्राई करते भाई मैक्सिमम एटलीस्ट ब्यावर तो टच कर जाए। सो प्लान ऐसा है कि कोटा तक जाने का, बट देखते हैं अभी क्या है। इट्स अ रोड ट्रिप, कुछ भी हो सकता है, क्या है जैसा सोचते हैं वैसा हमेशा हो पॉसिबल ज़रूरी नहीं है। सो ऑल डिपेंड्स, और साथ में पेरेंट्स भी हैं तो उनके हिसाब से भी सोच के फिर बाकी की जर्नी हेड ऑन करते हैं। आपको तो पता है इस जर्नी में शुरू से एक रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो होटल्स का पता नहीं है कभी कैसा रहता है क्या है, तो ऑल द थिंग्स आर वेरी अनसर्टेन। सो अभी चलते हैं, और फिर अभी फूड ब्रेक भी लेना है आगे जाके, सो विल सी ऑल द थिंग्स। एंड इस रूट पे टोल्स वगैरह भी बहुत आते हैं, तो ऑलमोस्ट मैंने बताया था 80-90 रुपीस के अराउंड एवरेज चार्ज होता है, क्योंकि रोड्स बेटर है तो टोल्स तो है ही सही। बाकी तो हमने बार को क्रॉस कर लिया है, तो अभी एक बहुत अच्छा सेटअप हाईवेज आ जाता है इधर की तरफ, तो हमें सीधा अजमेर ब्यावर की तरफ ले जाएगा। और बाकी अगर देखा जाए तो रास्ते में जो रॉक्स क्लाइंबिंग है उसको आप बहुत देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना यहाँ पे दिन में मिस कर रहे थे ये जगह को, ये जगह जाते वक्त भी रात में ही और आते वक्त भी रात में ही। सो अभी ऑलमोस्ट हम उसी रूट पर ही हैं, सो अभी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करते हैं, और साथ में दोनों तरफ के नज़ारे आप देखोगे तो इन्जॉय करो, बहुत मज़ा आ रहा है इधर। तो यही जर्नी का खूबसूरत पहलू है, धीरे धीरे चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, और साथ के अंदर आसपास के नज़ारे भी इंजॉय कर रहे हैं। सो यही चीज़ें बहुत औसम हो जाती है भाई। और लिटरली आपको 100 और 150 के स्ट्रेच के अराउंड ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो ऑलमोस्ट यहाँ से ब्यावर 9 किलोमीटर्स रह गए, सो अभी वहाँ पर जाके फूडिंग वगैरह कुछ लेते हैं, और उसके बाद आगे प्लान करते हैं कि भाई क्या करना है। भाई रोड ट्रिप है, असर्टेन है कि भाई आगे जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। प्लान तो है कि कोटा की तरफ जाते हैं, सो अनदर इट्स एंड 200-300 किलोमीटर स्ट्रेच, बट देखते हैं, लेट्स सी क्या रहने वाला है।
फोटो फुटेजेस में दोगे तो आपको देखेंगे कैमरा में कि हल्के हल्के पहाड़ का पूरा व्यू है। तो दिन में तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत हो जाती है भाई। वहाँ पर बाकी होटल वोटल भी है यहाँ पर, उसके कैमरा वगैरह सब निकलते हैं भाई। सर्दी ठंड इधर बहुत कम हो जाती है, इतनी नहीं जाती उधर, बहुत ज़्यादा थी भाई ठंड। और इधर ऑलमोस्ट कैमरा ये भी लॉन्ग रूट की बस। सो ब्यावर के आसपास ही घूम रहे हैं और बाकी अभी ट्राई कर रहे हैं कि भाई आगे जाते हैं और स्ट्रेच मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करें। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आसपास फूडिंग वगैरह की इतनी फैसिलिटीज़ तो नहीं लग रही है। सो आगे भी हेड ऑन करके ही देखते हैं। और बाकी अभी प्लान ये कर रहे हैं कि यार ब्यावर में ही स्टे कर जाएँ क्योंकि बेटर है, क्योंकि आगे जो स्ट्रेच है वो थोड़ा सा खाली भी है और काफ़ी इश्यूज़ होते हैं उधर, क्योंकि रात के टाइम में ट्रैवल अच्छा नहीं क्योंकि उधर कोई सपोर्ट भी नहीं है इस तरह का। सो अभी यहीं पे प्लान करते हैं, तो फूडिंग के बाद वहीं पे ब्यावर में ही देखते हैं भाई कहाँ पे ठहर सकते हैं क्या है। तो ज़्यादातर कुछ ढाबे वाबे इतने खास नहीं, अभी मिला है पवित्र भोजनालय तो वहाँ पर थोड़ा सा ट्राई करते हैं। गाड़ी हमको यहीं पे खड़ी भी दिखाई थी, बाकी जगह तो था, बाकी स्पीड तो बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी भाई। ऐसे भी चलते हैं थोड़े तो चलते हैं, थोड़ा फूडे फूडे लेते हैं आगे बढ़ते हैं। भाई एकदम मुझे ऑर्डर चली गाड़ी आज ही भी पसंद है भाई लोग उसके हिसाब से। इससे पहले कभी मैंने ब्यावर को देखा नहीं था, तो भाई ब्यावर की गलियों में ही घूम रहे हैं इधर उधर। और लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई हाईवे पे मोटर लेने से अच्छा है कि आप ब्यावर में ही होटल ले लो, वहाँ पे होटल्स बेटर मिल जाते हैं और स्टे भी कंफर्टेबल हो जाएगा, तो आप वहीं पर ही ट्राई करो। तो उनके सजेशन में हम लोगों ने भाई ब्यावर की तरफ के बाद अभी ब्यावर की सड़कों पर घूम रहे हैं। और ब्यावर की सड़कें तो भाई ज़बरदस्त, एकदम कुछ भी नहीं इधर तो, एकदम शांत है। तो अभी क्या करते हैं, सोच रहे हैं कि अब सुबह 5 आवर्स का जर्नी है सुबह सुबह, तो अभी नाइट ट्रैवल करने से अच्छा है कि कहीं जाकर रेस्ट कर लें। तो रेस्ट करके सुबह निकलेंगे आराम से फ्रेश होकर, और बाकी यहाँ पे सटर देख लेंगे होटल्स वगैरह, तो सब कुछ शुरू करके देखते हैं। तो मस्त रूम दिला दे भैया ने, सब आराम से अभी इधर रेस्ट करते हैं, 3 लोगों के आराम से ऑक्यूपेंसी के साथ यहाँ पर रेस्ट करते हैं और सुबह फिर प्लान करते हैं आगे निकलने का। अब सुबह क्या रहने वाला क्या, और अभी सफ़र पे हो सकता है हमने फ्रेंड्स भी मिले। सो बहुत सारी नई चीज़ें नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तो प्लीज़ स्टे इन टच एंड जर्नी स्टिल कंटिन्यूज। सो विल सी इन नेक्स्ट ब्लॉग।